यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर लेटेस्ट Gcam 9.2 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, Gcam AGC 9.2 वर्जन 2.0 का बिल्ड है। बिग काका करके डेवलपर की तरफ से ये जो Gcam का जो बिल्ड है देखने को मिलेगा एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया है एंड बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा Redmi Note 11 डिवाइस के साथ। यहाँ पर हम फोटो सैंपल को भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Gcam AGC 9.2 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो Gcam का जो बिल्ड है उससे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। पहली दफा जब आप ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है फोटो क्लिक कर पाओगे। कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है मल्टीपल लेंस में स्विच कर सकते हो, यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस में स्विच करने का ऑप्शन है एंड यहाँ पर जो मेन लेंस है उसमें भी स्विच कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस है जो कि Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप चाहो तो मैक्रो लेंस को ऐड कर सकते हो, डेप्थ लेंस को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद जो है मोर सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो लेंस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें जाके आप जो है मल्टीपल लेंस को ऐड कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट जो है अल्ट्रावाइड लेंस एंड मेन लेंस का जो ऑप्शन है इनेबल रहेगा, ठीक है। एनीवे यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो कि डेफिनेटली फ्यूचर अपडेट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी फिलहाल जो है लाइका मोड को ऐड नहीं किया गया है। अगर आप Gcam AGC 9.1 का जो बिल्ड है उसे अगर आप ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पर लाइका मोड देखने को मिलेगा, बट अभी फिलहाल Gcam AGC 9.2 वर्सन 2.0 में जो है लाइका मोड को ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस मोड का ऑप्शन है जिसके साथ आपको जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो है कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर 1x 2x का ऑप्शन है, स्वाइप अप करने से जो है पर क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर नाइट साइड मोड, HDR मोड का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड के साथ जो है बेटर डिटेल्स के साथ बढ़िया क्वालिटी के साथ जो है पर फोटो क्लिक कर पाओगे एंड यहाँ पर टाइमर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्रो मोड के साथ जो है पर ऑटो एंड मैनुअल मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर मैनुअल मोड भी काम कर जाएगा। यहाँ पर एक्सपोजर को जो है एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर जो फोकस है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस ऑप्शन को भी ऐड किया गया है जो कि सच में काफी बढ़िया है एंड शटर स्पीड को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन है, प्लस जो ISO इसे भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है और प्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। सेम यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी वाटरमार्क ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है। अभी फिलहाल जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है HDR मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्दी होपफुली फ्यूचर अपडेट में जो है HDR मोड का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड के साथ। अभी फिलहाल नाइट साइड मोड एंड फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के साथ जो है पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, नियर फार इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। पैनोरामा की अगर बात करें तो आप जो है पर वर्टिकल फोटो क्लिक कर सकते हो, फोटो एस्पर मोड का ऑप्शन है, फोटो एस्पर मोड के साथ आप जो है 360 फोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्टिकल वाइड एंगल एंड हॉरिजॉन्टल फोटो को क्लिक करने का ऑप्शन है। तो ये सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, कोई भी इशू नहीं है ये सभी के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी यहाँ पर प्रो मोड काम कर जाएगा। फिलहाल जो है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग जो है पर काम नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर रहा है। डेफिनेटली फ्यूचर अपडेट में जो है फीचर जो है काम कर जाएगा, बट अभी फिलहाल इस अपडेट के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है। यहाँ पर फुल HD का ऑप्शन है एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट है ऐड नहीं किया गया है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर, बट टाइम लैप्स जो है काम कर जाएगा। ऑटो 5x 10x 30x 120x का ऑप्शन है, पर जो है एक्सपोजर को भी एडजस्ट कर सकते हो, प्लस यहाँ पर 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है जो कि अगेन Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर जो है ये जो Gcam AGC 9.2 का जो बिल्ड है तो एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ काम कर जाएगा, बट यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का जो सपोर्ट है ऐड नहीं किया गया है। तो गूगल कैमरा 9.2 के साथ जो है एंड्रॉयड 11 का जो सपोर्ट है ऐड नहीं किया गया है, एंड्रॉयड 12 के साथ जो है
जीकैम 9.2 का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जीकैम एजीसी 9.2 जो है एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 14 तक काम करेगा, एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड 11 में काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर स्नैपड्रैगन एक्सिनोस मीडियाटेक टेंसर चिपसेट के साथ भी काम कर जाएगा। इसका मतलब है सैमसंग वन प्लस रेडमी रियलमी सैमसंग यहाँ पर वन प्लस ओप्पो वीवो आईक्यू नथिंग फोन 1 नथिंग फोन 2 इन्फिनिक्स मोटोरोला पिक्सल सभी के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। ऑलमोस्ट सभी डिवाइस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है इस गूगल कैमरे के साथ। तो डेफिनेटली जीकैम एजीसी 9.2 का जो बिल्ड है ट्राई करके देखो, ये जो बिल्ड है नया बिल्ड है इसलिए कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में देना होगा। एनीवे अभी फिलहाल थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर जो फोटो सैंपल के बारे में। हम जो है आपके सामने लाइव कुछ फोटोज को क्लिक करने वाले हैं, देखते हैं किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है इस जीकैम के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले पोको A5 डिवाइस, इस डिवाइस के साथ हम कुछ फोटो क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है एनेबल कर दिया है। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है फोटो को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम जो है HDR मोड के साथ फोटो क्लिक करने वाले। हमने HDR एनहांस मोड को सिलेक्ट नहीं किया है एंड नाइट साइड मोड को हमने बंद कर दिया है। बाकी यहाँ पर प्रो मोड भी देखने को मिलता है एंड यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाके आप जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस को जो UI है उसे भी एनेबल कर सकते हो। पिक्सल 8 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है उसे भी एनेबल करने का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर हम 16:9 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1x को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो क्लिक करने वाले हैं एंड देख सकते हो यहाँ पर जो है फोटो सेव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फास्ट यहाँ पर जो है फोटो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर प्रोसेसिंग के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। Redmi Note 11 डिवाइस के साथ जो आप काफ़ी फास्ट यहाँ पर जो है फोटो क्लिक कर पाओगे। HDR प्रोसेसिंग के साथ जो है डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन है उसे भी आप एनेबल कर पाओगे, उसके साथ भी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखते किस तरह से यहाँ पर जो है ओवरऑल क्वालिटी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास है पोको A1 डिवाइस एंड इस डिवाइस के साथ जो कुछ फोटो क्लिक करते हैं हम यहाँ पर 1x 2x सभी ऑप्शन के साथ जो है फोटो क्लिक करने वाले हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप HDR एनहांस मोड को एनेबल करोगे तो यहाँ पर फोटो सेव होने में फोटो प्रोसेसिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड यहाँ पर हम और भी कुछ फोटो क्लिक करने वाले हैं एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस मोड का ऑप्शन है। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो, फास्ट यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे पास है और भी कुछ डिवाइस, इसके साथ भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा फॉर श्योर। इवन जो फ्रंट कैमरा है फ्रंट कैमरा के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है। तो ये जो जीकैम का जो बिल्ड है उस तो एंड्रॉयड 11 के साथ जो है काम नहीं करेगा, एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 एंड्रॉयड 14 के साथ जो है काम कर जाएगा, जिस आपको ध्यान में रखना होगा। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है। फोटो के ऊपर डेफिनेटली काफी हद तक जो है नेचुरल कलर देखने को मिल गया है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ भी आप जो है HDR मोड को यूज कर सकते हो तो बढ़िया डिटेल्स देखने को मिलता है, बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा एंड नेचुरल लुकिंग फोटो क्लिक कर पाओगे। इवन फोटो में जूम करने के बाद भी जो डिटेल्स है जो HDR मोड है HDR एनहांस मोड है काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है कलर एंड शैडो के ऊपर काफी बढ़िया जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा एंड फोटो के ऊपर डिटेल्स के साथ भी इम्प्रूवमेंट है, क्लोज टू एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा। फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, मेन लेंस हो जाए अल्ट्रा वाइड लेंस हो जाए यहाँ पर इवन फ्रंट कैमरे के साथ भी नॉइस को रिड्यूस किया गया है। प्लस यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज वो भी बढ़िया देखने को मिलता है, सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिल गया है एंड परफॉर्मेंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट है। Redmi Note 11 डिवाइस के साथ भी आप बढ़िया डिटेल्स के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, फास्ट फोटो क्लिक कर पाओगे, पर प्रोसेसिंग भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इवन
डबल टैप करके जूम करने के बाद भी जो है बढ़िया डिटेल्स देखने को मिलता है। एंड इस गूगल कैमरा के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड एंड सेल्फी के साथ भी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी हमने ग्रीन टिंट का जो इशू है नोटिस नहीं किया है। एस्ट मोड, नाइट साइट मोड भी यहाँ पर काम कर जाएगा। EIS एंड OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा अगर आपके डिवाइस के ऊपर अवेलेबल है तो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।